नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की चुनावी कवरेज पर। तो आज यूपी में चौथे चरण को लेकर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और अब तक अगर ओवरऑल वोटिंग परसेंट की हम बात करें तो 47.83% मतदान हो चुका है और तीनों चरणों के मुकाबले इस चरण में ये वोटिंग परसेंट जो है वो काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। इसके अलावा 9 जिलों की 59 सीटें हैं जहां पर मतदान हो रहा है। 624 प्रत्याशी हैं जो कि मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज हो रहा है, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। वहीं अलग अलग जगह से तमाम रिपोर्टर्स मैदान में उतरे हुए हैं और वहां के एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में कुछ जो मेहमान हैं वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो भी आपको दिखाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चौथा चरण जो है वो कितना इंटरेस्टिंग होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो 3 चरण गए हैं ये काफी ज्यादा धुआंधार रहे। इसके अलावा जब चुनाव प्रचार हो रहा था तब भी जो प्रतिक्रियाएं थी वो सामने आ रही थी, जुबानी जंग बहुत तेज हो गई थी और इस बार तो कुछ ज्यादा ही जुबानी जंग जो है वो तेज होती हुई नजर आई थी। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सीधे मतदान केंद्रों से है। मतदान केंद्रों पर किस तरह की भीड़ है वो हम आपको दिखा रहे हैं और लोग वहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं लोकतंत्र के महापर्व पर। इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पर्याप्त मात्रा में की हुई है, ये भी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हर एक तस्वीर पर नजर लगातार बनी हुई है, जो भी बड़ी खबर सामने आ रही है लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। कोई भी बड़ी बाइक सामने आ रही है तो वो भी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। ऐसे में शाम 6 बजे तक जो चुनावी कवरेज है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की वो लगातार बरकरार रहेगी। तो ऐसे में आप न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ लगातार बने रहिए और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर देखते रहिए। चौथे चरण का जो घमासान है वो मैदान में दिखाई दे रहा है, तो आखिर किसकी नैया पार लगेगी, कौन डूबेगा, ये तो खैर 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन जैसे जैसे चरण बीत रहे हैं वैसे वैसे तस्वीर क्लियर होती हुई नजर आ रही है। जहां बीते 3 चरणों में सपा कहती है कि हमने तो चुनाव जीत लिया है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कहती है कि इन 3 चरणों में जनता ने बता दिया है कि सपा से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। तो ऐसी तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, तमाम प्रत्याशी, तमाम बड़े चेहरे जो हैं अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह, बृजेश पाठक, मायावती वोट डालने के लिए पहुंची और बयानबाजी भी खूब हुई है। पहले तो सभी से यह आग्रह किया कि लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनिए, मतदान करिए, तो वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से भी ये लोग पीछे नहीं रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जहां पर ईवीएम खराब की खबर भी सामने आई। कुछ तस्वीरें ऐसी भी थी जहां पर फेविक्विक जैसी चीजें जो है वो ईवीएम पर डाल दी गई ताकि बटन जो है वो दब ना सके। तो आखिर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह के अधिकारी बयान दे रहे हैं वो भी आपको सुनवा रहे हैं और लगातार हर एक तस्वीर पर नजर भी बनी हुई है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त, अधिकारी भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों की जो पोलिंग बूथ है वहां पर किस तरह की भीड़ है, तैयारी सुबह से कैसी थी वो भी हमने आपको दिखाई है। आगे भी जो चुनावी कवरेज है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की वो बरकरार रहेगी। शाम 6 बजे तक हम लगातार एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसे में तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। संदीप चौधरी बीजेपी से हैं, स्वामीनाथ जायसवाल कांग्रेस से हैं, धनोज कुमार जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और वहीं पुष्पेंद्र जी हैं वो सपा से हैं। आप सभी का सबसे पहले बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। धनोज जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। धनोज जी, सुबह से लेकर अब तक करीब करीब 47% जो मतदान है वो इन 9 जिलों में हो चुका है, बाकी चरणों के मुकाबले काफी अच्छा परसेंट है इस समय तक, इससे हम क्या समझे, यहाँ की जनता ज्यादा जागरूक है या कोई और वजह है? बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन से मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि जब बात जनता की आती है, वोटिंग की आती है, पोलिंग की आती है, तो सबसे निवेदन भी करूंगा कि अपने घरों से निकलिए और अपने मतदान जो संवैधानिक अधिकार उसको आप करें। और 2 लाइन शुरुआत करूंगा मैं
क्या यह संघर्ष चुनाव तक ही रहेगा? क्या यह संघर्ष चुनाव तक ही रहेगा? विकास का मुद्दा सिर्फ भाषणों तक ही रहेगा? विकास का मुद्दा सिर्फ भाषणों तक ही रहेगा? हर बार सियासत ने जुल्म ही किए हैं, हर बार सियासत ने जुल्म ही किए हैं। जनता कब तक जुल्म का दबाव सहेगा? जनता कब तक जुल्म का दबाव सहेगा? देखिए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर इनके आप घोषणा पत्र देखेंगे, वो घोषणा पत्र जो एक तरह से जनता के ऊपर दबाव भी है, जनता सोचने पर मजबूर हो जाती है कि लाजवाब घोषणा है। लेकिन जिस तरह आपने मुझसे सवाल पूछा है कि पोलिंग को देख के, प्रतिशत को देखकर, ये बात तो आज चौथे चरण की मतदान हो ही रहा है जी। लेकिन सुबह से जिस तरह से धीमी गति से मतदान हो रहे थे, तो सारे दल के नेताओं के लिए परेशानी हो रही थी। लेकिन जैसा कि आप देखेंगे, पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण, तो यह सिलसिलेवार जो है मत प्रतिशत को आगे बढ़ता दिख रहा है। लेकिन एक कोई उछाल नहीं दिख रही है शेयर बाजार की तरफ। जिस तरह से राजनीतिक पंडित, जिस तरह से जो आलोचक विचारक सोचते हैं कि एक मतदान जो होना चाहिए जैसे गोवा में हुआ, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो अभी हम लोग को प्रतीक्षा ही करना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि चिंता है, भाजपा गठबंधन को भी चिंता हो रही है, सपा गठबंधन को भी चिंता हो रही है, साथ ही हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं उनके पार्टी को भी चिंता हो रही है, क्योंकि वो अकेले चुनाव लड़ रही है। प्रियंका गांधी ने कहा था कि हम छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, लेकिन सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी सारे छोटे दलों से गठबंधन कर लिए और मायावती अकेले चल रही है। लेकिन एक दो पॉइंट में कोट करूंगा आपको, मैं बताऊंगा। लखीमपुर खीरी में 80% किसान का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है। और आपको बता दूं, पीलीभीत साक्षरता का जो प्रतिशत वो 61 है। ये दो बातें मैं आपको इसलिए कर रहा हूं, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी। लेकिन लखीमपुर खीरी में जो है, मान लीजिए पलिया विधानसभा हो गया, मोहम्मदी हो गया, निगासन हो गया, तो इसमें मुद्दा जो है किसानों तो है ही, किसानों को लेके, लेकिन कुछ जगह एमएसपी को लेके। धान का रेट 1940 रुपये है एमएसपी, लेकिन किसान लोग हमेशा कहते हैं कि सरकार इस रेट पर धान नहीं खरीदती, जिसको लेके वो गुस्सा है, आक्रोश है। दूसरा, एन वक्त पर लखीमपुर खीरी के जो मान लीजिए जमानत हो गया जो कांड में, उसको लेके भी किसान आक्रोशित है। और एक जगह रोड का मुद्दा है, क्योंकि हर साल बाढ़ आ जाती है और निगासन में, मान लीजिए बाढ़ आती है तो वहाँ की जो रोड है वो टूट जाती है, जिससे 61-62 गांव का जो संपर्क है शहर से कट जाता है। जब किसानों का संपर्क शहर से कट जाएगा ना, तो मैं आपको बताऊं किसानों के लिए टेंशन बढ़ जाता है, क्योंकि जो साहूकार है, जो मान लीजिए उनको देने वाले लोग है, वो शहर में बैठे हुए हैं और किसान जो है उन पर मतलब डिपेंड है। तो ऐसे में किसान लोग का गुस्सा जो है सातवें आसमान पर आ जाता है, तो इनका भी असर थोड़ा सा दिख रहा है। लेकिन ऐसे में एक दो बातें और मैं बता दूं, सीतापुर में आपको पता होगा नेविसारण तीर्थ के कारण प्रसिद्ध है, लेकिन उसको तीर्थ स्थल नहीं बना पाया बीजेपी सरकार जी। और दूसरी बात, लखीमपुर खीरी जो है ना, वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, राज्य का सबसे बड़ा जिला। और आपको यकीन मानिए कि वहां एक चीज बहुत है कि व्यवसाय के तौर पर देखा जाए, उत्तर प्रदेश का भी जहां जहां चुनाव हो रहा है उसमें देखिए, अगर सरकार चाहती तो सूती और ऊनी का जो दरी है, जो देश में नहीं विदेश में भी फेमस है, उस पर तो उसको भी चाहता तो बहुत बड़ा उद्योग धंधा बनाया जा सकता था। इसको लेके सपा सरकार में भी नाराजगी थी लखीमपुर खीरी के लोगों का, और बीजेपी सरकार में भी नाराजगी है। तो किसानों का नाराजगी 3-4 मुद्दा लेके है। एक, जो इतने दिनों तक वहां बैठे रहे धरना प्रदर्शन पर लेकर, और जिस तरह से राकेश टिकैत जी जब घटना घटी और उसमें जब प्रशासन के साथ लखीमपुर खीरी में जाकर समझौता करवाया, तो उन पॉइंट से लेकर किसान का गुस्सा थोड़ा अलग टाइप से है। लेकिन वोट प्रतिशत जो बढ़ रहा है ना, उसमें वहां बहुत सारे लोग हैं जो विकास को भी मुद्दा मानते हैं, और कुछ लोग हैं जो परिवर्तन को भी मुद्दा मानते हैं। तो इन सबों के बीच में लखीमपुर खीरी और उन्नाव जो है, उन्नाव में जो घटना घटी थी, वो घटना को लेके टीवी पेपर में तो आक्रोश है लोग, मतलब मैं नेताओं की बात करूं, लेकिन जनता वहां उससे आगे निकल कर वोट कर, और उसका आप देखिए उन्नाव का प्रतिशत, आप अपने संवाददाता से कहकर देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा खासा वोटिंग परसेंट जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। चलिए आपका रुख करूंगी मैं, दोनों जी, संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी से हैं।
संदीप जी, आज चौथा चरण है और लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, जब भी जनसभा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तीनों चरणों में दिखा दिया है आम जनता ने। देखिए, हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता सर्वश्रेष्ठ चुनाव करती है और आज जो वोट पड़ रहा है वो उन लोगों के खिलाफ पड़ रहा है जिन्होंने मतदाता को गलत बताया था, देश की संसद को गलत बताया था, प्रधानमंत्री जी को गलत बताते रहते हैं, मंत्रिमंडल को गलत बताते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो सरकार चुनी हुई है उनको गलत बताते हैं, जब हमने 370 हटाया उसको गलत बताया, जब हम GST लाए उसको गलत बताया, हम आत्मनिर्भर भारत की जब बात करते हैं उसको गलत बताया, जब हमने राम मंदिर की बात करी तो राम मंदिर भी उनकी नजर में गलत था, उस पैटियो के को हटाने के लिए जब हम कानून बनाए उसको गलत था, जब हम राफेल ले आए तो उसको गलत है। ये जो लोग गलत गलत इन सारे विषयों पे नकारात्मक भारत में राजनीति करते हैं, जनता आज उस नकारात्मकवाद से मुक्ति के लिए और वो दोबारा से उत्तर प्रदेश में न घुसे उनको बाहर रखने के लिए वोट कर रही। सर्जिकल स्ट्राइक जिन्होंने गलत बताया, जिन्होंने एयर स्ट्राइक गलत बताया, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायपालिका को चैलेंज करते हैं वो गलत है, जो रात को 12 बजे सर्वोच्च न्यायपालिका खुलवा देते हैं और समर्थन करते हैं व्यक्ति विशेष को, संप्रदाय विशेष को, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद के मुद्दे पे घर से निकल के वोट दे रही है और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे उनका विश्वास है, राष्ट्र भारत के प्रधानमंत्री पे विश्वास करता है। जो नशेड़ियों की जमात थी, जो भारत को और भारत के अंदर जो नशेड़ियों की जमात का समर्थन कर रहे हैं आज उनके खिलाफ भी वोट पड़ रहा है, जो अवार्ड वापसी गैंग है उसके खिलाफ वोट पड़ रहा है, जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं उसके खिलाफ वोट पड़ रहा है, जो विदेशी फंडिंग पर चल रहे देशद्रोही हैं उनका समर्थन करते हैं उनके खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ है और सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ मैम वोट पड़ रहा है। तो ये जो वोट है ये वोट उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदले। पुष्पेंद्र जी, इशारा आप ही की तरफ है। नहीं मैडम, देखिए अभी इन्होंने ठीक कहा, जो वोट पड़ रहा है वो लखीमपुर खीरी वाली घटना पे पड़ रहा है, वहां पे आज वोट है। शायद मेरे भाई भूल गए इस बात को कि आज आपने कहा कि वोट पड़ रहा है, हम कह रहे हैं वोट पड़ रहा है विकास के लिए पड़ रहा है। आज जो वोट पड़ रहा है आपकी 5 साल जो फेलियर हुआ है उसके ऊपर वोट पड़ रहा है। वोट पड़ रहा है कोरोना काल में जो नाशिन आपने गंगा में बहा दी उस पर वोट पड़ रहा है। वोट पड़ रहा है ऑक्सीजन से जो लोगों की मृत्यु हुई और मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, वोट उस पर पड़ रहा है। वोट पड़ रहा है जो शिक्षक भर्ती बार बार आप कैंसिल कर रहे हैं, वोट उनमें पड़ रहा है। लाठी डंडे जो आपने पढ़वाए वोट उस पर पड़ रहा है। वोट उन पे पड़ रहा है जो आपने पुलिस की भर्ती कैंसिल करी, वोट उस पर भी पड़ रहा है। और वोट उस पर भी पड़ रहा है जो बेरोजगारी आप लोगों ने बढ़ाई है, वोट उस पर भी पड़ रहा है। आप लोग 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा कर रहे थे, वो नहीं दे पाए, वोट उस पर भी पड़ रहा है। वोट तो हर मुद्दे पे पड़ रहा है। आपकी बात कंटिन्यू करिएगा। एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है वो जरा हम दर्शकों को बता देते हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। यूपी में 3 बजे तक 49% मतदान हो चुका है, लखनऊ में 47% मतदान हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्नाव में 47.23% के रिबीट में 54.81% मतदान हो चुका है। बांदा में 50%, रायबरेली में भी 50% से ज्यादा मतदान हुआ, लखीमपुर खीरी में 52%, फतेहपुर में भी 52% मतदान हुआ है, वहीं हरदोई में 46% और वहीं सीतापुर में 49% मतदान हो चुका है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यूपी में 3 बजे तक 49% मतदान अब तक हो चुका है, लखनऊ में 47% मतदान हुआ है, इसके अलावा उन्नाव में भी 47% मतदान हुआ, पीलीभीत में बहुत ज्यादा है 54% मतदान यहाँ हो चुका है, बांदा में 50, रायबरेली में भी 50% मतदान हुआ, इसके अलावा लखीमपुर खीरी में भी 52% मतदान हुआ है, वहीं फतेहपुर में भी 52.51% मतदान हो चुका है, हरदोई में 46 और सीतापुर में 49% मतदान हुआ। तो ये अभी तक का आंकड़ा था, 3 बजे तक का 49% मतदान ओवरऑल हो चुका है। सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो पीलीभीत में देखने के लिए मिल रहा है, लखनऊ में 47% हुआ है। तमाम मेहमान लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी। पुष्पेंद्र जी कुछ कह रहे थे, देखिए जरूरी था ये क्योंकि वोटिंग प्रतिशत काफी ज्यादा अच्छा आज देखने को मिल रहा है, जरूरी है और जरूरी है आम जनता तक पहुंचाना और ज्यादा जागरूकता इससे कहीं ना कहीं आएगी। देखिए मैडम, मैं यही कह रहा था कि वोट उन सब बातों का हिसाब
आप आज जनता इन सबसे लेगी, जो 5 साल में जनता ने त्राहिम त्राहिम जो हुई है उसका जो हिसाब इनको देना पड़ेगा। और अभी हमारे भाई कह रहे थे कि भाई तुष्टिकरण वाली पार्टी को वोट नहीं मिलेगा, हाँ ठीक है, हम खुद कह रहे हैं जो पार्टी तुष्टिकरण करती है उसको वोट नहीं मिलेगा। आप लोगों ने जो हिंदू मुस्लिम किया, आप लोगों ने जो दिवाली और रमजान की बात करी, उस पर वोट नहीं मिलेगा। वोट सिर्फ और सिर्फ विकास पे मिलेगा, वोट उन वादों पर मिलेगा जो वादे कहने के बाद पूरे करेंगे। वोट मिलेगा अखिलेश यादव जी को, क्योंकि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में जो वादे करे अब जनता के वो सामने आए कि हाँ वाकई में ही वो वादे पूरे हो गए। वोट, एक बात बताइए, इंटर के 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन लेने के लिए लैपटॉप देने वालों को वोट कैसे मिलेगा? अब आप बताइए, जब हम इंटर पास कर लेंगे और 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन लेंगे तो हमको लैपटॉप मिलेगा, लेकिन वोट मिलेगा उन लैपटॉप को जो 12वीं के बाद अखिलेश यादव जी ने तमाम लोगों को बांटे गए, तमाम शिक्षकों नौजवानों को बांटे और तमाम स्टूडेंट को बांटे, और उसी को हमने रिपीट किया कि हम दोबारा से उस पर दुगने रफ्तार से लैपटॉप बांटेंगे। वोट मिलेगा उस पर मिलेगा, वोट मिलेगा जो हमने अपनी पेंशन वापस देने को कहा है, जो इन्होंने सुविधाएं बंद करी है उनको उनको पाने के लिए वोट मिलेगा। वोट मिलेगा, वोट ऐसे नहीं मिलेगा कि 100 को 112 कर दे वोट मिलेगा। वोट जनता जानती है मैडम, जनता बेवकूफ नहीं है कि घर से निकलती है तो सोच समझ के निकलती है, पढ़ के निकलती है कि हाँ मैं वोट कहाँ देना है। उन्हें भी दिख रहा है भविष्य कहाँ है, सबको दिख रहा है। तो वोट समाजवादी पार्टी के गठबंधन को पड़ेगा और इस बार सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की, आप देखिए। अच्छा, इसी बीच एक जानकारी मिल रही है, जरा आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सपा का विधायक पुत्र विकास किशोर का आरोप है, उन पर आरोप लगा है कि जो वोट डलवाने का आरोप लगा रहे हैं कि जबरदस्ती बटन दबा रहे हैं। इसके अलावा वोटर लिस्ट में नाम न होने पर भी जो बटन है वो दबाया गया है। इसके अलावा विकास किशोर मीनू ब्लॉक प्रमुख पर भी आरोप लगा है। रहीमाबाद बूथ संख्या 215, 216, 217, 218 का ये पूरा मामला है। ये देखिए, ये हो रहा है, देखिए मैम, ये मामला कहीं सपा प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं, कहीं बीजेपी प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं। देखिए मैडम, हमने कहा ये बात हमारे संज्ञान में अभी नहीं है, लेकिन अगर आपने कहा है तो वहाँ पुलिस है, प्रशासन है और चुनाव आयोग है, वो देखेंगे। हम लोग बिना देखे क्या कहते हैं, क्या नहीं, हम लोगों ने कुछ देखी नहीं है। गुंडाई क्यों, जबरदस्ती किसी से वोट कैसे डलवाइएगा? नहीं मैडम, देखिए जहाँ जब वोट नहीं बना तो गुंडाई कैसे हो जाएगी? ये तो वोट कटवाने वाले मामले हैं, हमारे हजारों हजारों वोट काट दिए गए, लेकिन हम ये बात नहीं, हम किसी गुंडाई के साथ में नहीं है। हाँ, ये वहाँ पर हो क्या रहा है जब तक हम स्वयं उसकी जानकारी नहीं ले पाएंगे, उस पर हमको टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, हमें उसकी जानकारी भी नहीं है। जी, आपका रुख करूंगी। स्वामीनाथ जयसवाल जी भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जयसवाल साहब, प्रियंका गांधी आज अमेठी पहुंची, एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, चौथा चरण चल रहा है, उसका मतदान हो रहा है, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जनसभा कर रही है अमेठी में और कह रही है कि सभी दलों को, विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए था, क्या लग रहा है, चुनाव के बाद एक साथ आएंगे? देखिए, अभी तो हम पूरे सीट पर अकेले लड़ रहे हैं और प्रियंका जी हमेशा विकास और रोजगार के नाम पर वोट मांगी, न धर्म जाति और राम, ये मुद्दा नहीं रहा हमारा, विकास मुद्दा रहा कि विकास के नाम पर, महिलाओं के सुरक्षा के नाम पर, ये नहीं रहा कि जिस तरह से किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले उनके बेटे आज देखे होंगे कि लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी कितना सुरक्षा व्यवस्था के साथ अपने बेटे को लेकर वोट डालने, एक अपराधी का बाप और अपराधी वोट डालने जाता है तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़ी इंतजाम किया जाता है, क्योंकि वो साफ दिख गया कि किसानों के हत्यारा जो किसान का हत्या किया है, जनता उसके आक्रोश को जिस तरह से स्पष्टीकरण आज वोट में तब्दील होगा, आज उत्तर प्रदेश में बदलाव की जो आवाज उठ गई है, आज वोट प्रतिशत बता रही है कि एक बदलाव का संज्ञान में आ गया है, जिस तरह से हमारे मित्रों ने बताया, आज पता चला गुजरात में जिस तरह से पोल घोटाला हुआ है और जिस तरह से पेगासस से जज भी सुरक्षित नहीं है, पूरा देश भी सुरक्षित और मीडिया भी सुरक्षित नहीं है, ये सरकार कभी पेगासस से किसी का टेप कराना और गुजरात में कोयला घोटाला करना और गुजरात मॉडल सरकार लाकर जिस तरह से देश के, जैसे जीएसटी की बात कही गई, जीएसटी से हमारा मिडिल क्लास बिजनेसमैन जितना त्रस्त है, कई प्रकार का जीएसटी लाने से त्रस्त है और नोटबंदी से वह, अब नक्सलवाद आतंकवाद खत्म हो रहा था वो भी खत्म नहीं हुआ, ये मोदी मॉडल और गुजरात मॉडल से जिस तरह से कोरोना काल
नमस्ते ट्रंप करके बुलाया गया और कोरोना काल में जिस तरह से लोगों का त्रासदी हुआ 2020 में, असंगठित संगठित प्रवासी मजदूर पथ से पैदल चलकर कितना मौतें हुई उसका आंकड़ा संसद पटल पर नहीं दिया गया कि कितने मौत भुखमरी से हुआ और किस तरह से त्रासदी मजदूर देश का सहा। वही उत्तर प्रदेश का मजदूर गुजरात से महाराष्ट्र से निकल कर पथ से पैदल आए और मौत के उस अंबर को कैसे भूलेंगे। और इस कोरोना काल में जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश का बोलता है कि देश में यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई ऑक्सीजन से नहीं मरा, जो गंगा फट गई थी लाशों से, गंगा के धाराओं में लाश का धारा बह रहा था और वो साफ झूठ सफेद बोलकर जिस तरह से लोगों को भ्रमित करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है। अब जनता का मूड बदल चुका है कि परिवर्तन करना है, ये परिवर्तन की लहर है, ये वोट प्रतिशत जो बढ़ी है ये परिवर्तन की लहर है, ये चौथी चरण लोकतंत्र के इस महापर्व में हमारे 59 सीटों पर जिस तरह से 624 उम्मीदवारों की किस्मत का आजमाइश हो रहा है, लेकिन इसमें लोकतंत्र में सबसे बड़ा आज हमारे मतदाता जो भगवान का स्वरूप लेकर अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं एक बदलाव के रूप में, एक विकास के लिए। जिस तरह से युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया इलाहाबाद में, जिस तरह से आज बेरोजगारी उत्तर प्रदेश का, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी बोले थे कि उत्तर प्रदेश में कोई पढ़ा लिखा नहीं है जिसको मैं नौकरी दे सकूं, इस तरह का भाषाओं का प्रयोग किया गया। एक उनके गृह मंत्री भारत सरकार का बोलते हैं कि 12वीं के बाद इंटर पास करोगे तो लैपटॉप देंगे, उनको यही पता नहीं कि 12वीं किसको कहते हैं, इंटर किसको कहते हैं। और एक बार और भी बोल रहे थे अमित शाह जी की भरत को राम ने कहा जाकर रावण से ध्यान सीखो, जब उनको राम की बात करते हैं रामायण के बारे में उनको जानकारी नहीं होगी, लक्ष्मण को बोले थे कि भरत को बोले थे और रामचरितमानस को ढंग से पढ़ भी नहीं लेते हैं और राम के चरितार्थ को जानते भी नहीं है। राम को जरूर चुनाव में लाते हैं, लेकिन देश का प्रदेश की प्रबुद्ध जनता जान चुकी है। इस बार तो राम का नाम रहा ही नहीं, इस बार तो गन्ना जिन्ना 80-20 गर्मी चर्बी साइकिल का नाम लाए, खालिस्तान का नाम लाए, लेकिन बांटने का कोशिश किया गया, लेकिन जनता सिरे से नकार दिया। जनता को विकास चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, इसलिए इनका नहीं चला, इस बार इनका खेला नहीं चल पाया, खेला बिगड़ गया। धर्म जाति और कई तरह का ये प्रोपोगंडा तैयार किया गया, लेकिन जनता सिरे से नकार दिया। लेकिन किसान संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मुस्कुराहट जो है आपकी बता रही है कि आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। जिस तरह से उन्नाव के बेटी के साथ हुआ और जिस तरह से लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ गाड़ी चढ़ाया गया, उसी बदलाव का आज परिवर्तन का वोट है। आज उसी विकास जो प्रोपोगंडा दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी का आज लोकतंत्र में आज पता चलेगा किस तरह से आप किसानों पर गाड़ी चढ़ाए हो, किस तरह से उन्नाव में एक बेटी का शोषण हुआ है, वो उसका बदलाव आज परिवर्तन के रूप में वोट में तब्दील होने जा रहा है। और आज 59 सीटों पे तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि विकास का खोखला वादा कर जिस तरह से युवाओं को गुमराह किया गया। सरकार कौन बना रही है? कांग्रेस बना रही है सरकार। कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, हम मजबूती के साथ बनेंगे। कांग्रेस 32 साल से बाहर थी, लेकिन अभी लोगों के अंदर एक विश्वास जागरूक हुआ कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस हमेशा युवाओं को, किसानों को और श्रमिकों की और मध्यवर्गीय बिजनेसमैन की सबकी बात रखकर हमेशा उनका साथ सहयोग करते हुए, हमेशा जिस तरह से महंगाई 400 का सिलेंडर 2014 में था आज 1000 रुपया हो गया, डीजल पेट्रोल 100 रुपया हो गया, उसके बाद महंगाई चरम सीमा पे है, तो भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमारे समय में 1% हो गया महंगाई दर और कांग्रेस के समय में 2 जोड़ी में आता था, हम एक जोड़ी में कर दिए। ठीक है मोदी 100 के पार, चलिए इसका जवाब भी ले लेते हैं, पास हो गया, जवाब भी ले लेते हैं। आने वाले चुनाव के बाद भी दुगना रेट बढ़ने वाला है, सतर्क तो होना जरूरी है जनता को। आने वाले चुनाव में तो आप आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीते है, आने वाले चुनाव में तो आप आ रहे हैं, तो डीजल का रेट बढ़े, फिर आप तो रेट कम करिएगा ना, जब आप आ रहे हैं तो रेट कम करिएगा। हम तो रेट कम करेंगे, हम तो अपने चुनाव में बोले हैं कि हम रेट कम करेंगे, हम जब आएंगे, हम जैसे छत्तीसगढ़ में
गोधन न्याय योजना, अभी प्रधानमंत्री अपने मुंह से बोले हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में 2 रुपया किलो गोबर खरीदते हैं किसानों से, और अब मोदी जी उसका नकल करके अपने भाषण में बोले कि हम छुट्टा साढ़ के जब मुद्दा उठाई प्रियंका गांधी जी और नेताओं ने उठाया कि जिस तरह से किसानों का खेत को रौंदा जा रहा है, पशु खुलेआम घूम रहा है, तो बोले कि एक दिन इसी पशु को आप लोग बांधोगे, ये नहीं बोले कि छत्तीसगढ़ में हम पहले से गोधन न्याय योजना के तहत से गोबर भी खरीद रहे हैं, एमएसपी पर 2500 रुपया क्विंटल, एमएसपी से ज्यादा 2500 रुपया क्विंटल धान खरीदी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। हमारी सरकार ने किसानों को कांग्रेस की नकल करके आप लोग तमाम योजनाएं निकाल रहे हैं, तमाम कार्य कर रहे हैं, ये तो सब कांग्रेस का दिमाग है, चला आप रहे हैं। संदीप जी आवाज आ रही है मेरी? मुझसे पूछ रहे हैं सवाल? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आज साधुवाद दूंगा कांग्रेस के साथी को कि विपरीत परिस्थिति में कितनी मजबूत बैटिंग कर रहे हैं, जब सारे विकेट गिर गए हैं उत्तर प्रदेश में, पता नहीं खाता खुलेगा कि नहीं, एक भी विधायक आएंगे कि नहीं, जनता का विश्वास कांग्रेस से उठ गया है। मैं साथी बार बार कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी को खुश रहते हैं, हमारी सरकार को खुश रहते हैं। मैं पूछूंगा कांग्रेस के साथी से कि मित्र आपकी अगर एक भी सीटें नहीं आई और आपकी बैटिंग खत्म हो गई पूरे उत्तर प्रदेश में, तो आपके नेता अखिलेश जी होंगे कि आपके नेता प्रियंका जी होंगे, पहले तो ये तय कर लो, और आपका विरोधी जो है समाजवादी पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी है, ये भी आप तय करें। आपका वोट बैंक, जो आपका वोट बैंक होता था जातियों के गणित पे, जो उत्तर प्रदेश को हमेशा से आपने देखा, वो जातियों के गणित आपसे सब चली गई, कोई जाति नहीं बची, क्योंकि कोई सगा नहीं, जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं उन सब लोगों को आपने ठगा। मैं साफ साफ बात करता हूँ, आज जनता को वोट दे रहे हैं, मैं साधुवाद दूंगा उत्तर प्रदेश की जनता को कि घरों से निकल के वो वोट करने जा रही है और वोट दे रही है, और क्यों नहीं देगी साहब, उसको देना ही पड़ेगा, इसलिए क्योंकि सेना को जो लोग हत्यारा कहते हैं, नक्सलियों को जो लोग क्रांतिकारी कहते हैं, और जिहादी आतंकवादियों को भटका हुआ बेरोजगार नौजवान कहते हैं, उनके खिलाफ तो वोट देगी ना जनता भाई, देश के लिए देगी, समाज के लिए देगी, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए देगी। तो आप कह रहे थे विकास ही नहीं हुआ, आप बताइए, पता तो करिए क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है कि नहीं, कांग्रेस के मित्र बताएं, समाजवादी पार्टी के मित्र बनाए बताएं, उससे क्या उत्तर प्रदेश के लोगों का स्वाभिमान नहीं बढ़ता, पता करिए कानपुर में मेट्रो चल रहा है कि नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक रोड क्या बना है कि नहीं, पता करिए आप सारा, जो विकास का काम हमने किया है वो विकास का काम हुआ नहीं राजा कि नहीं हुआ है, तो जनता विकास पे वोट देगी, ठीक कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, और विकास जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है तो किसी और को तो वोट नहीं देने आएगी ना, आगरा लखनऊ गोरखपुर। आपको धनोज जी बहुत देर से हमारे साथ बने हुए राजनीतिक विशेषज्ञ है, धनोज जी आपने दोनों को सुना, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी आपने सुना, कांग्रेस को भी आपने सुना, और सपा को तो आप सुन ही रहे हैं। अब ये बताइए, ये जो मुद्दे बता रहे हैं अभी संदीप जी कि हम लगातार ये तमाम चीजें लेकर आए हैं, हमने विकास किया है, हमने रोजगार दिया है, हमने नौकरियां दी हैं, हमने राशन घर घर पहुंचाया है, हमने सिलेंडर घर घर पहुंचाया है, क्या वाकई यही मुद्दे हैं चुनाव के, या वो जो चर्मी गर्बी आंधी तूफान गन्ना जिन्ना साइकिल बम ये मुद्दे हैं? ये मुद्दे नहीं है, मैं अगर बात करूं आपको तो तुम्हें वहां से हो के आया हूँ, काफी टाइम लगा मुझे, मैंने देखा है, देखिए कुछ ऐसे प्लाईवुड का है, शक्कर के मील हैं, ठीक है, जिससे मतलब बिजनेस हो सकता है, गन्ना आपने जिन्ना की बात किया, गन्ना की बात किया, गन्ना से शक्कर नहीं बनता है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थे तो एक देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था कि इंडिया में एक ऐसी चीज है जिससे पूरे विश्व पर वो राज कर सकते हैं, पूरे विश्व को वो मतलब कॉफी पिए बिना हमारा दिमाग नहीं खुलता, और कॉफी बिना चीनी के बनता नहीं, और गन्ना का उपज जो है सबसे ज्यादा भारत में होता है, तो मिठास वाला प्रदेश है, गन्ने का राज उत्तर प्रदेश है जहाँ की बात करें, लेकिन मुद्दा अलग अलग है, कहीं पर रोजगार का मुद्दा है, कहीं पर हॉस्पिटल का मुद्दा है, कहीं पर सड़क का मुद्दा है, कहीं पर देखिए अब आपको मैं फतेहाबाद बताता हूँ, फतेहाबाद से 27 किलोमीटर के बीच में ना रोड है, रात को वहाँ पिलर है, मतलब जिसको पोल कहते हैं, लेकिन उस पर बल्ब नहीं है, भाजपा दावा करता है कि मैं एलईडी लगा दिया, लेकिन सपा भी वहाँ चुक गए थे, भाजपा भी चुक गए, लेकिन उस क्षेत्र के लोग जो है अंधेरे में आते जाते, रात को शाम होते ही सूरज डूबते ही अंधेरा हो जाता है,
भैया का तो भय ये नहीं है, भय है अंधेरे में गुंडों का, भय नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ कीट का सांप का ये सब का तो भय है। दनो जी बीजेपी तो कहती है 22 घंटे बिजली दी है, 22 घंटे बिजली आ रही है, तो आप कह रहे हैं कि लाइट नहीं जलती।